नमस्कार, घर का शेफ प्रामार्जना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फटे हुए दूध से पराठा बनाएंगे। ये पराठा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसको बनाना बहुत आसान है। तो मैंने देखिए यहाँ पे दूध लिया है और ये दूध फट गया है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा नहीं फटा है, हल्का फटा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें इस तरह का देखिए दिखने लगा है, लेकिन अभी ये पानी और दूध बिल्कुल अलग नहीं हुआ है। तो इसको अभी फटे हुए ज़्यादा देर नहीं हुआ है, कम ही देर हुआ है। तो इसको अब हम गैस पे चढ़ा देंगे थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए, और फिर ये अच्छे से फट जाएगा, पानी और दूध बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसका पनीर हम अलग करेंगे। तो पहले मैं इसको गैस पे चढ़ाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें आवाज़ कैसी आ रही है तो इसका मतलब ये फट रहा है। ये देखिए इसका पनीर और पानी दोनों अलग हो गया है। तो हम इसको एक कपड़े पे रख के और पनीर अलग कर देंगे और पानी इसका अलग कर देंगे। ये देखिए मैंने पनीर अलग कर दिया है छान के, और इसको पानी से अलग करते समय आप ध्यान रखिए कि बिल्कुल इसमें पानी ना रहे, एकदम अच्छी तरीके से ये ड्राई हो जाए, क्योंकि हम इसमें नमक डालेंगे और नमक डालेंगे तो ये थोड़ा सा गीला हो जाएगा, और अगर ज़्यादा गीला हो गया तो बेलने में दिक्कत होती है। तो इसलिए पूरा अच्छी तरीके से इसका पानी निचोड़ दीजिए। तो इसको अब हम साइड में रख देंगे और पहले डो लगा लेंगे। डो लगाने के लिए मैंने देखिए गेहूं का आटा लिया है और इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और थोड़ा कम मैंने डाला है क्योंकि पनीर में भी हम नमक डालेंगे जो इसका स्टफिंग है उसमें भी, और इसको मिला लेंगे और डो लगा लेंगे इसका, जैसे हम रोटी या पराठे का लगाते हैं उस तरह। डो मैंने तैयार कर लिया है, तो अब इसको हम साइड में रख देंगे और पनीर में बाकी का सामान हम मिलाएंगे। इसमें पहले हम नमक मिलाएंगे और काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए इसको आप भी मिलाइएगा, बिल्कुल स्किप ना करिएगा। और बारीक टुकड़ों में कटी हुई हरी मिर्च, आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन तीखा बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी लिया है और ब्लैक पेपर भी मैंने अच्छी मात्रा में डाला है, तो इसलिए तीखा ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने नहीं डाला है। और आप चाहें तो धनिया पत्ती भी इसमें बारीक टुकड़ों में कटा हुआ डाल सकते हैं, लेकिन आज मेरे पास धनिया पत्ती ख़त्म हो गई है क्योंकि दूध अचानक फटा, तो मैं तुरंत इसे बनाने लगी हूँ, तो मैं इसलिए धनिया पत्ती नहीं डाल रही हूँ, होता तो ज़रूर डालती। अब इसको हम हाथ से अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए मैंने मिला लिया है, तो इसको हम साइड में रखेंगे और एक चकला लेंगे और बेलन लेंगे और इसमें से हम आटा तोड़ेंगे। ये देखिए मैंने आटा तोड़ लिया है, अब इसको हम गोल कर लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे हम इसमें और इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। आप जिस भी तरह से भरना चाहते हैं भर सकते हैं, जिस तरह से आप रेगुलर कोई भरा हुआ पराठा बनाते हैं उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह हल्का सा बेल के फिर भरती हूँ क्योंकि इसमें स्टफिंग बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये देखिए इसमें अच्छे से भर जाता है जितना भी आप भरना चाहें। इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे, ये वाला इसी में दबा देंगे ऐसे। और इसको इस तरह कर लेंगे हम ताकि एक बराबर में हो जाए पनीर जो अंदर है। फिर से इसमें सूखा आटा लगा लेंगे और इसको हम बेलेंगे। इसको मोटा पतला आप अपने अनुसार रख सकते हैं, लेकिन पनीर ज़्यादा भरा रहता है तो हल्का सा मोटा ही अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से हम बेल लेंगे। तो अब मैंने गैस पे तवा चढ़ा दिया है, तो इसको अब हम तवा पे डालेंगे। ये देखिए मैंने गैस पे तवा चढ़ा दिया है और ये गर्म हो गया है, तो ये इसमें डाल देंगे हम पराठा इस तरह। इसका कलर हल्का चेंज हो गया है तो इसको हम पलट देंगे।
और इधर से हम ऑयल लगाएंगे, रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं रिफाइंड ऑयल ही लगा रही हूँ। अब इसको दूसरे साइड में पलट देंगे और दोनों साइड में इसको हल्का ब्राउन हो जाए, गोल्डन हो जाए, फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया है, तो अब हम निकाल लेंगे और बाकी का पराठा भी हम इसी तरह बना लेंगे। ये देखिए फटे हुए दूध से बनके पराठा तैयार है, बहुत ही बढ़िया पराठा बना है। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो अब से अगर आपका दूध भी फट जाता है तो बिल्कुल उदास ना हो, और इस तरह से पराठा बना के पूरे परिवार को खिलाइए। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना बढ़िया पराठा बना है। ये देखिए कितना अच्छा, इसमें पूरा पनीर देखिए दिख रहा है, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। और आप चाहें तो आटा, जो पहले मैंने आटा गूंथी थी, उस आटे में थोड़ा सा अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अजवाइन नहीं डाला है क्योंकि पनीर के साथ मुझे अजवाइन बिल्कुल नहीं पसंद है। तो आप भी इस तरह बनाइए और खुद भी खाइए, सबको खिलाइए, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरा ये फटे हुए दूध से बना हुआ पराठा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।